दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सामने देखिए, ये आप KSSC, MBBS, रेलवे बोर्ड किसी भी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज के बीच सही संबंध। देखिए दोस्तों, जो खिलाड़ी है वो क्रिकेटर भी होगा, लेकिन बल्लेबाज, क्रिकेटर और बल्लेबाज एक जैसे होते हैं। जो क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है उसको बल्लेबाज बोल सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी अलग होते हैं। और वो खिलाड़ी भी हो सकता है, जो क्रिकेटर होता है वो बल्लेबाज भी हो सकता है, और वो खिलाड़ी भी हो सकता है। जो खिलाड़ी है वो क्रिकेटर और वो बल्लेबाज। देखो, ये खिलाड़ी है ना, तो खिलाड़ी काहे में आएंगे, क्रिकेटर के अंदर आएंगे, और क्रिकेटर बल्लेबाज के अंदर आएंगे। यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 100 का 121 से क्या संबंध है। देखिए, अगर 100 को 121 को ध्यान से देखेंगे तो 100 है 10 का स्क्वायर, तो ये है 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो अगला आएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर, 13 × 13 = 169, ये राइट आंसर होगा। फिर अगला है 123 और 36। देखिए, इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे। देखो, 1 + 2 + 3, 3 × 3 = 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इसी तरह 2 + 3 + 2, 3 × 2 = 5 × 2 = 7, 7 का स्क्वायर 49, तो भी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आयु में राम श्याम से बड़ा है तो ऊपर आएगा राम, फिर यहाँ आएगा श्याम, श्याम से बड़ा है यानी कि डंडा है ये, ठीक है। फिर लक्ष्मण श्याम से बड़ा, श्याम से बड़ा किंतु राम से छोटा, तो बीच में आएगा लक्ष्मण राम श्याम से बड़ा और राम से छोटा, तो ये बीच में आ गया लक्ष्मण ही आ गया। फिर कह रहा हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा, हरि हरि श्याम से बड़ा, फिर कह रहा कि छोटा, लेकिन हरि श्याम से बड़ा, तो श्याम से बड़ा, फिर यह हरि आ जाएगा। फिर क्या कह रहा, हरि और श्याम दोनों से छोटा, हरि और श्याम दोनों से छोटा, हनुमान दोनों से छोटा, लेकिन श्याम हरि से बड़ा, हरि से बड़ा, श्याम जो है हरि से बड़ा। देखो, सबसे बड़ा राम, लक्ष्मण हरि से बड़ा, हरि से बड़ा, तो यहाँ हरि और हनुमान, तो सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, हनुमान आया। पाँच का संबंध 28 से, तो 12 का संबंध किससे होगा। देखो, 5 से 28 कैसे बना, 5 का स्क्वायर प्लस अगर 3 करें तो 25 + 3 यानी कि 28 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर होगा 144 + 3, तो 147, तो 147 किसी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो स्क्वायर वाली ट्रिक तो इस पे काम नहीं दे रही है। फिर कुछ और ट्रिक लगाते हैं,
28 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अगर 5 में 5 का गुणा करें प्लस 3 जोड़ें तो 25 और 3 प्लस 3 यानी कि 28 हो गए। 12 में 5 का गुणा करें प्लस 3 जोड़ें तो 12 पंजो 60 प्लस 3 यानी कि 63। 63 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। पर ये ऑप्शन में 63 इसका राइट है, बस यही ट्रिक इसके काम, और कोई ट्रिक इसमें नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 से 81 कैसे बने, 64 क्या बनेगा? 27 से 81 देखिए तो 2 प्लस 7 को जोड़े तो कितना होगा? 9, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 6 प्लस 4 जोड़े तो 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सी ई और एप की माँ, देखो ये है ई और ये, इन दोनों की माँ कौन? सी। इनकी माँ सी है। एप का विवाह जेड से, तो एप का विवाह जेड से, ये पति, ये पत्नी। सी का जेड से क्या संबंध है? तो इस सी का अगर जेड से संबंध पूछे तो ये इसकी बेटी है, तो इसकी सास, तो सी ऑप्शन मैच कर गया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, देखिए इसको ऐसे ही गिन ले, ये वाला 1 2 3 हो गए, पहले बहुत सी बार बता चुका हूँ, और यहाँ से एक एक इधर, एक एक इधर, दो इधर, 3 3 6 3 9 और 2 4 2 6, एक पूरा मिलकर 16। देखिए 1 से 2 बना यानी कि 1, 2 से 11 छः में से एक गया तो 5, 3 में से एक गया तो 2। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो अगला कौन सा होगा दोस्तों? 7 का स्क्वायर होगा, है ना, विषम संख्या स्कोर चल रहा है। तो 7 से 7 कितना? 49। इसमें जोड़ें तो 9 6 15 का 5 ऐसे ला 1 8, यह दोस्तों 85 होगा, इसमें से घटाने तो बड़ी भी क्या आएगा, तो 85 इसका राइट आंसर हो गया। 3 से 15 देखिए, 3 को ध्यान से देखिए दोस्तों और 15 को ध्यान से देखिए। 3 क्या है दोस्तों? ये 2 का स्क्वायर माइनस 1
फिर ये है चार का स्क्वायर माइनस वन, चार चौक 16 में से एक गया, इन्हें सम संख्या इसको में से घटा दिया। 35 क्या है, छः का स्क्वायर माइनस वन और ये आठ का स्क्वायर माइनस वन, तो अगला यहाँ आएगा 10 का स्क्वायर माइनस वन, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक तो 99 इसका राइट आंसर। कोई दिन चक्रवृद्धि ब्याज के 10-15 वर्ष में दो गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना, यानी कि 15 में दो गुना, तो कितने में 8 गुना, 3 पावर से 8 बना और 3 में गुना करे तो 45 वर्ष में। अगला, कोई धन साधन ब्याज की दर से 8 वर्ष में दो गुना। देखो अब इसमें साधारण ब्याज आ गया, तो कितने वर्ष में, देखो साधारण ब्याज में क्या होगा, एन माइनस वन अपॉन एन टू माइनस वन, टी वन अपॉन टी टू, एन वन पहला गुना कितना, दो गुना, दो माइनस वन और फिर कितना, चार गुना, और पहला समय कितना है 8, दूसरा समय ज्ञात करना, दो में से एक गया यानी कि 1 बच गया, चार में से एक गया यानी 3 बच गया, तो 3 का गुना 8 में 3 और 24, कोई धन दोगुना हो जाएगा। देखिए दो गुना तो n माइनस वन अपन दर कितनी, 10% इंटू 100/1, 3 गुना, तो यहाँ इनकी जगह 3 माइनस एक 2/10 इंटू सी पर 10×20, चलिए तो 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में 3 गुना 27, कितने वर्ष में होगा, देखिए 3 होती है 27, तो 3 का गुना 8 में 24 वर्ष में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।